राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली में सशस्त्र बलों के कर्मियों को वीरता पुरस्कार और विशिष्ट सेवा अलंकरण से किया सम्मानित। राष्ट्रपति ने भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र और भारतीय सेना की जाट रेजिमेंट के नायाब सूबेदार सोमवीर को शौर्य चक्र से किया सम्मानित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मणिपुर में रानी गैदनी लियू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की रखी आधारशिला। कार्यक्रम में गृह मंत्री का हुआ संबोधन। वहीं केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी संग्रहालय आधारशिला कार्यक्रम को किया संबोधित। पंजाब के पठानकोट में आर्मी कैंप के पास आज सुबह अज्ञात लोगों ने किया ग्रेनेड विस्फोट। धारीपुल में स्थित आर्मी कैंप के त्रिवेणी गेट पर हुआ ये विस्फोट। पठानकोट की सभी पुलिस चौकियों को किया गया अलर्ट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण सभी स्कूल अगले आदेश तक रहेंगे बंद। इस दौरान ऑनलाइन माध्यम से कक्षाएं रहेंगी जारी। राजधानी और आसपास के क्षेत्रों के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के आदेश के बाद ये निर्देश जारी। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते ऑस्ट्रिया में लगाया गया लॉकडाउन। रेस्टोरेंट और अधिकतर दुकानें की गई बंद। बड़े समारोह भी किए गए रद्द। लॉकडाउन के 20 दिनों तक प्रभावी रहने की संभावना। सिंगापुर और भारत के बीच निर्धारित वाणिज्यिक उड़ानें 29 नवंबर से फिर से होंगी शुरू। कोविड टीका लगवा चुके लोगों को यात्रा की मिलेगी अनुमति। चेन्नई, दिल्ली और मुंबई से प्रतिदिन 6 उड़ानों को ही दी जाएगी अनुमति। अब खबरें खेल जगत से। 34वीं अखिल भारतीय डाक कुश्ती प्रतियोगिता नई दिल्ली में शुरू। राज्य और राष्ट्रीय स्तर के पहलवानों सहित कुल 98 पहलवान इस अंतर विभागीय प्रतियोगिता में होंगे शामिल। इतिहास में पहली बार महिलाएं भी कुश्ती प्रतियोगिता में होंगी शामिल। जूनियर विश्व कप हॉकी 2021 टूर्नामेंट का 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक ओडिशा में होगा आयोजन। 16 टीमें टूर्नामेंट में लेगी भाग।